डेटा साइंस के फील्ड में आपको जाना है तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, सैलरी कितना मिलेगा, क्या मुझे फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा मैं रिसेशन का शिकार हो जाऊंगा या फिर 2-3 साल बाद मेरा फ्यूचर डामाडोल हो जाएगा बिकॉज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या, डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़ जो आर्टिकल है उसमें दिखाया है कई टाइम, कुछ टाइम से, कि 2026 तक, 2026 तक इनके जो टोटल जॉब्स होने वाले हैं मोर देन 1 करोड़ होने वाले हैं, विच इज़ रियली 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 सुपर्ब, बहुत कम है। अभी भी आप देखेंगे डेटा साइंस जॉब्स लिंक्डइन पर 1 लाख प्लस जॉब के आसपास जॉब्स के लिस्टेड हैं, 2000 न्यू जॉब्स हैं। डेटा साइंस अगर आपको आता है, आपने किसी भी जो जॉब्स वेबसाइट है, नौकरी है, लिंक्डइन, आपने अपलोड कर दिया, कॉल्स आपको आएंगे। उनको क्रैक करने के लिए आपको चाहिए क्या, प्रॉपर गाइडलाइंस, जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे करोगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि भाई सैलरी कितना होता है। देखो डेटा साइंस फील्ड में कई, इसके अंदर और प्रोफाइल होते हैं, इसमें लोग काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर होता है, ML होता है, राइट, उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट होता है। तो कई प्रोफाइल हैं डेटा साइंस के अंदर। लेकिन मैं सबको क्या बोलता हूँ, अगर आपको सबसे अच्छा सैलरी कमाना है तो डेटा साइंटिस्ट आपको बनना होगा। डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बनना टफ है। एक वीडियो बताया था क्या प्रोसेस होता है डेटा साइंटिस्ट का और डेटा एनालिस्ट का, क्या क्या करते हैं बेसिकली बताया था, EDA उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो सैलरी जो है आपका वो कितना होता है डेटा एनालिस्ट का, ये बता दूंगा मैं आपको कितना होता है डेटा एनालिस्ट का, जो फ्रेशर है उनके कितने होते हैं, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 0 एक्सपीरियंस है, उनका क्या होता है। तो बेसिकली आपको बता रहा डेटा एनालिस्ट का जो सैलरी होता है, फिलहाल मैंने देखा 2 लाख से लेके आपका 10 लाख, 12 लाख का सैलरी मैंने देखा है। कुछ केसेस में 15-20-30 लाख है, लेकिन वो कम है। एवरेज में देखा सैलरी कितना है आपका डेटा साइंस के, डेटा एनालिस्ट के बंदों का, 4 लाख पर एनम एवरेज सैलरी है। दिस इज द एवरेज सैलरी पीपल आर गेटिंग इन दिस फील्ड। बट कुछ जगह पर जहां पर एवरेज मीडियम सैलरी मैंने देखा 8 लाख भी है, राइट, और मैक्सिमम सैलरी 20-30 लाख भी देखा, कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं, बट ये एवरेज सैलरी है। बट डेटा साइंटिस्ट अगर बन जाओ, ये डेटा एनालिस्ट का है, मैं रिकमेंड करता हूँ डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करें, डेटा साइंटिस्ट भी बन जाओगे कुछ टाइम बाद, 1-2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के बाद, बिकॉज डेटा एनालिस्ट का जो स्किल सेट है डेटा साइंटिस्ट को आता है। बट कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स अगर आपके पास आ गया तो डेटा साइंटिस्ट आप बन जाओगे डेटा एनालिस्ट से, तब सैलरी आपका एवरेज जो होता है फ्रेशर का कितना होता है, 6 से लेकर 8 लाख का एवरेज पैकेज होता है। ये एवरेज है डेटा साइंटिस्ट का। उसका डेटा इंजीनियर है, मशीन लर्निंग है, डेवऑप्स में भी ये काम आता है कहीं ना कहीं, इसके जो स्किल्स हैं, बट वो अलग फील्ड है, उसके मैं बात करेंगे बाद में, मैंने बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये आपका डेटा साइंस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब कहाँ से पढ़ाई करना है मैं आपको बताऊंगा, लेट्स गो फॉर इट। सो गाइज, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओडिन स्कूल। तो ओडिन स्कूल क्या कर रही है, आपको डेटा साइंस का बहुत ही शानदार कोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर चुकी है उनके करियर ट्रांजिशन में, मतलब अलग अलग डोमेन में से उनको डेटा साइंस का जॉब दिलाया इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद। तो इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ फीचर्स, कितना प्लेसमेंट है, कितना पैकेज है, क्या जॉब रोल है, कहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स है, कौन से सिटी में इंडिया में, क्या क्या सिलेबस रहता है, सब डिटेल्स में हम जानेंगे अभी आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनकी जो बूट कैंप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, और इसका जो टाइमिंग है वो क्या, आपका 6 मंथ्स है, लाइव क्लासेस है आपका, ठीक है। और इसका जो स्किल्स जो सीखेंगे, जो डेटा साइंस वाले सीखते हैं, उसके बाद डिफरेंट रोल में जाते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। और इसमें आपको प्लेसमेंट है, जिसमें आप 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं, और 99,000 रुपीज़ का फीस है प्लस GST, 10-day रिफंड पॉलिसी है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, वो क्या है, अभी यहाँ पर 10,000 अर्ली अभी डिस्काउंट चल, 10,000 एक्स्ट्रा है, प्लस आपको कुछ अमेजिंग स्कॉलरशिप भी मिलेगा, स्कॉलरशिप ले सकते हैं आप। कैसे मिलेगा आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, देखते रहिए आप, आपको पता लगेगा। आगे चलते हैं,
मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं हायरिंग पार्टनर्स के बारे में, राइट। सो हायरिंग पार्टनर्स जो आपके यहाँ पर है वो देखिए, ये सारे इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसमें आपका 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं, और जो मैक्सिमम हाइक मिला अब तक सैलरी में इनके स्टूडेंट्स का 230%, तो 230%, राइट। सो विच इज़ रियली रियली गुड। और आप देखिए यहाँ पर कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है, वो है आपका 275 इनके थ्रू से, और सैलरी पैकेज मैक्सिमम कितना लगाया आपका 36 लाख, एवरेज जो मीडियम पैकेज लगभग एवरेज ले सकते हुए 8 लाख, एंड टॉप जो जॉब रोल जो होता है डेटा एनालिस्ट का होता है, डेटा इंजीनियर का होता है, डेटा साइंटिस्ट का होता है, ML इंजीनियर का होता है, पावर BI डेवलपर का होता है। और मैंने जैसे कि बताया, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है जिसमें सैलरी बहुत अच्छा होता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से, डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। टॉप जॉब लोकेशन हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई, लोग प्रेफर इनमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, इन दो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जॉब्स है बेसिकली डेटा एनालिस्ट का, डेटा साइंस का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये आपका हायरिंग पार्टनर्स हैं, और देखिए इन्होंने, जैसे मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन्होंने क्या करा, आपका डेटा साइंटिस्ट बनाया है। जैसे एक प्रोफेसर को इन्होंने बना दिया एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एडवाइजर थी ये, डेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई है, ठीक है। एसोसिएट क्लेम्स थी ये, क्या डेटा एनालिस्ट बन गई, ठीक है, बन गया बंदा। उसके बाद आपका प्रोसेस एग्जीक्यूटिव IND एनालिस्ट बन गई, बन गया। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग एसोसिएट मैनेजर, रिसर्च एसोसिएट बन गई, ठीक है। ऐसे कई इनके पास आपका क्या है, सिंगल विंडो ऑपरेटर थी, सीनियर एनालिस्ट बन गई। तो इनके पास कई लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं इनके प्रोग्राम में, तब ये सक्सेस स्टोरीज आते हैं। सो बूटकैंप आउटकम्स क्या है आपका, आप रियल टाइम एनालिसिस सीखेंगे, स्टेटिस्टिक्स सीख जाएंगे, पाइथन सीख जाएंगे, डेटा विजुलेशन विच इज रियली इंपॉर्टेंट सीख जाएंगे, SQL सीख जाएंगे, आप SQL बहुत ज़्यादा बोलते हैं, PySpark और बिग डेटा सीख जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली डेटा एनालिस्ट के फील्ड में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हु कैन ज्वाइन, किसके लिए है, अगर आपको अपना फ्यूचर स्टार्टिंग करना है जॉब का, आप कर सकते हैं। अपने चेंज करना है करियर पाथ को, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में है, वो उनको दिखता है बहुत अच्छा ग्रोथ है, जा सकते हैं आप। उसके बाद करियर अपग्रेड करना है, जा सकते हैं आप। करियर रिलॉन्च करना है, तब भी आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। करिकुलम क्या होता है, देखिए किस तरह का, लाइव क्लास रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, करियर सर्विसेज रहते हैं, एंड सपोर्ट रहता है आपका, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो प्रोग्राम मोडिन स्कूल प्रोवाइड करे डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस का, वो थोड़ा यूनिक क्यों आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बहुत कम जगह पर देखा है। एक तो लाइव क्लासेस है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोर सब्जेक्ट इन्होंने दे दिया है भाई, ये कोर है, ये इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस फील्ड में, ये तो चाहिए चाहिए। लेकिन इसके अलावा इलेक्टिव्स आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर किस फील्ड में जाना है डेटा साइंस के। डेटा साइंस में कई फील्ड में आपको देखा है, उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। के सर्विसेज क्या मिलता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन होता है आपके साथ, टाइम से टाइम बहुत बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपको हेल्प मिलता है, राइट। उसके बाद वर्कशॉप होते हैं, मेंटरिंग होता है, प्लेसमेंट असिस्टेंस डेफिनेटली मिलता है, जो मैंने आप इतने सारे आपको दिखाया सक्सेस स्टोरीज, एंड रिज्यूम एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्डिंग एंड मॉक इंटरव्यूज एक करवाते हैं, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ये आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो वर्क ऑन मल्टीपल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे आप, सेल्स ग्रोथ डैशबोर्ड, डायबिटीज प्रेडिक्शन, IMUS इन्वेंट्री, एंड क्रेडिट कार्ड जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, ये सारे आप क्या करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट से काम करेंगे, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। डायनेमिक इंडस्ट्री वेंटेड करिकुलम, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ग्रुप बेस्ड लर्निंग है जो आपके लिए हेल्प करता है, लाइव क्लासेस होते हैं, प्रोजेक्ट सिमुलेशन, और उसके बाद मेंटरिंग विथ मेंटरशिप मिलता है प्रोफेशनल से, केयर सर्विसेज एंड प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, पर्सनल इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्टर, मतलब इंस्ट्रक्टर जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनसे बात कर पाएंगे, आपके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखाया था, ये आप जाके इनके वेबसाइट पर भी देख सकते हो, जो रिसेंट ओडिन ग्रेड से इन्होंने कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, आप इनके स्टोरीज देख सकते हैं, जो मैंने देखा था एक काफ़ी अच्छा स्टोरी मेरे को लगा, पेप्सिको में काम कर रहे हैं, और भी कई यहाँ पर देख सकते हैं जो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है इस वीडियो के, उस पर क्लिक करिए और फॉर्म को ऐसे आएगा फिल कर दो आप, उसके बाद क्या करिए काउंसिल से बात करिए। जो प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, आई होप सो मैंने प्रोसेस आपको बताया नहीं, बोला कि थोड़ी देर बताऊंगा,
प्रोसेस क्या है आपको बता देता हूँ, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. अब वो क्या करना है, अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट. उसके बाद एडमिशन टेस्ट ले सकते हैं आप. उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है, आप 2-3 स्कॉलरशिप ले सकते हैं आप. ठीक है, बाद और यहाँ पर जैसे आप टेस्ट लेंगे, स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आप बात कर पाएंगे इनके काउंसलर से. कोई भी आपका डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एनरोल के बाद आप डेटा साइंस का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर कितने फीस की बात करा था मैं, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से बात करता हूँ. 99,000 फीस है प्लस GST. स्कॉलरशिप टेस्ट के बेस पर अप टू 30,000 मिलता है. एंड यहाँ पर ये क्या करते हैं, नो कॉस्ट EMI आपको ऑफर करते हैं. ठीक है, पर मंथ इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता. इनके पास बहुत सारे फाइनेंसिंग पार्टनर्स भी हैं उनके थ्रू से, विच इज रियली गुड. और आपका रिफंड पॉलिसी है 10 दिन का, 10 डेज रिफंड पॉलिसी, विच इज काइंड ऑफ रेयर बेसिकली इन दिस इंडस्ट्री, इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री. मैं बहुत कम देखा है यहाँ पर कि ऐसा कोई कुछ प्रोवाइड कर रहा है कि आपको रिफंड पॉलिसी 10 डेज का है. ठीक है, तो ये था पूरा कहानी इस वीडियो का. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.